दोस्तों कैसे हैं? बिल्कुल ठीक होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ATG पॉइंट पे। चलिए बाबू, आज पिछले वीडियो में आपको 30 क्वेश्चन दिया था जय परक्रम से। आज के इस वीडियो में आपको 30 से आगे लगभग 60 क्वेश्चन दूंगा, ठीक है। आज इस वीडियो में पूरा कोशिश करूँगा पूरे चैप्टर को समाप्त कर दिया जाए, ठीक है। इसलिए आप लोग चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है क्या, मछलियों में श्वसन का कार्य कौन करता है? तो मछलियों में श्वसन का कार्य करता है, कमेंट्स में आंसर करेंगे, फेफड़े के द्वारा, त्वचा के द्वारा, कुलोम के द्वारा, ट्रेके के द्वारा। इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी, कुलोम के द्वारा। अगला क्वेश्चन, बड़ी हाथ का पिछला भाग क्या कहलाता है? बड़ी हाथ का पिछला भाग क्या कहता है? कोलन, सीकम, अपेंडिक्स, मालास है। क्या होगा राइट आंसर? बड़ी हाथ का पिछला भाग क्या कहलाता है? 32 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं। बड़ी हाथ का पिछला भाग मालाशय कहलाता है। क्या कहलाता है? मालाशय, जो कि ऑप्शन डी को जाएगा राइट आंसर। 33, चलिए बाबू 33 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है? किसका कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है बताइए राइट आंसर। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट में ऑप्शन, कार्बोहाइड्रेट का ऑप्शन, प्रोटीन में उपचयन, इनमें से कोई नहीं। 33 नंबर क्वेश्चन आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट में ऑप्शन, जो कि ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। 34, हरे पत्तियों में उपस्थित मंड परीक्षण में किस विलयन का उपयोग किया जाता है? हरे पत्तियों में उपस्थित मंड परीक्षण में किस विलयन का उपयोग किया जाता है? क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन। 34 का आंसर कीजिए आप लोग। 34 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, आयोडीन। 35, निम्न में से कौन सा जीव भोज्य पदार्थ का विघटन शरीर के बाहर ही कर देते हैं और तब उसका अवशोषण करते हैं? जू, लीच, मशरूम, खटमल। 35 का आंसर कीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर क्या होगा? कौन सा जीव भोज्य पदार्थ का विघटन शरीर के बाहर ही कर देते हैं तब उसका अवशोषण मशरूम करता है, जो कि ऑप्शन सी को जाएगा राइट आंसर। 36 नंबर क्वेश्चन है, अमीबा अपने भोजन को किसकी सहायता से पकड़ता है? अमीबा अपने भोजन को किसकी सहायता से पकड़ता है? चलिए बताएंगे। क्वेश्चन कह रहा है क्या, अमीबा अपने भोजन को किसकी सहायता से पकड़ता है बताएंगे इसका आंसर। आंसर बताएंगे आप लोग क्या होगा राइट आंसर इसका। इसका राइट आंसर कीजिए आप लोग। अमीबा अपने भोजन को किसकी सहायता से पकड़ता है? मुख से, खाद्य रितिका से, कुटपात से, इनमें से कोई से नहीं, बताइए राइट आंसर क्या होगा। 36 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी, कुटपात से। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पैरामेशियम एक जीव है, कैसा जीव है? पैरामेशियम एक जीव है, एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय, एक ऊतकीय, बहुऊतकीय। 37 नंबर क्वेश्चन का कमेंट्स में आंसर कीजिए। पैरामेशियम एक जीव है, एक कोशिकीय जीव है, जो कि ऑप्शन ए को जाएगा राइट आंसर। 38 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखिए क्या कह रहा है। 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप लोग, सभी लोग आंसर देंगे। 38 का आंसर कीजिए आप लोग सभी लोग। 38 का आंसर करेंगे, कह रहा है क्षुद्रांत के आंतरिक स्तर पर उनके अंगुली जैसे पर्वत को क्या कहते हैं बताइए राइट आंसर। क्षुद्रांत के आंतरिक स्तर पर उनके अंगुली जैसे पर्वत को क्या कहते हैं? लघु रोम, दीर्घ रोम, पेशीय भित्ति, इनमें से कोई नहीं। 38 का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, दीर्घ रोम। कॉमेंट्स में आंसर करेंगे आप लोग। मांसाहारी की क्षुद्रांत होती है लंबी, छोटी, विशालकाय, इनमें से कोई नहीं। 39 का आंसर आप लोग कर दीजिए गर्दा। 39 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 39 का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी को, छोटी होता है। क्या होता है? छोटी होता है। मांसाहारी की क्षुद्रांत जो होती है वो होती है छोटी। अगला क्वेश्चन 40 नंबर आपके स्क्रीन पर, शाकाहारी की क्षुद्रांत होती है लंबी, छोटी, गोलाकार, मोटी। 40 का बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 40 का जब इसका छोटा होगा तो इसका क्या होगा? लंबा होगा, जो कि ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, पाचन तंत्र का सबसे बृहत अंग होता है अमाशय, अग्न्याशय, यकृत, पित्ताशय। क्या होगा राइट आंसर? मेरे दोस्त राइट आंसर कीजिए इसका। 41 का राइट आंसर क्या होगा? 41 का राइट आंसर जाएगा, 41 का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी, यकृत। क्या है? यकृत। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 42 नंबर कह रहा है क्या, निम्नलिखित में से किसे सेल की ऊर्जा के रूप में जाना जाता है?
एंडोसाइन डीफॉस्टेस्ट एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट पाइरुवेट ग्लूकोज। 42 नंबर क्वेश्चन क्या होगा, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो कि ऑप्शन बी को जाएगा राइट आंसर मेरे दोस्त, ऑप्शन बी को। चलिए बाबू चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। 43 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, किडनी का कार्य नहीं है, रक्तचाप का विनिमयन, रक्त का निस्पंदन, आयनों का सांद्रण विनिमयन, एंटीबॉडी का स्राव। 43 का आंसर कीजिए, किडनी का कार्य नहीं है, एंटीबॉडी का स्राव जो कि ऑप्शन डी को जाएगा राइट आंसर। अगला 44 नंबर, मानव में किडनी किस प्रणाली का हिस्सा है, मानव में किडनी किस प्रणाली का हिस्सा है, पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन। इसका राइट आंसर जाएगा परिवहन, इधर से मानव ब्रिक में किडनी, सॉरी बाबू यहाँ पर इसका बी डी नहीं होगा, मानव में किडनी यानी किडनी जो काम करता है वो क्या करता है पूछ रहा है, किडनी जो करता है उत्सर्जन का काम करता है, क्या करता है, छानने का काम करता है जो कि उत्सर्जन। 45 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रक्त दिल में आता है, बायानील से या फिर दायानील से, बताइए जाए राइट आंसर। वेंट्रिकल लिखा है नीले के जगह पर वेंट्रिकल। 45 के आंसर कीजिए आप लोग, 45 के जगह बायानील से, फेफड़े में ऑक्सीजन युक्त रक्त दिल में जो आता है हार्ट में आता है वो बायानील से आता है, ऑप्शन ए को जाएगा राइट आंसर। 45 हो गया। 46 नंबर, किस विटामिन की कमी के कारण रक्त के थक्का जमने में देरी होती है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन के। 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स में कीजिए, 46 का राइट आंसर जाएगा विटामिन के, ऑप्शन डी को जाएगा राइट आंसर। 47, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए कौन सा कारक एक पौधा उपयोग करता है, प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, इनमें से सभी। 47 का आंसर कीजिए, बहुत सिंपल है भाई, प्रकाश प्रक्रिया के लिए कौन कौन सा कारक पौधा उपयोग करता है, तो प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल को उपयोग करता है, इसलिए ऑप्शन डी को मारेंगे राइट आंसर। चलिए भाई चैनल पर है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, सब्सक्राइब तो जरूर बनता है मेरे दोस्त, सब्सक्राइब करने में क्या जाता है। 48, हृदय की दीवार को पोषण करने वाली रक्त वाहिकाओं का नाम क्या है, पल्मोनरी धमनियां, कोरोनरी धमनियां, फुफ्सीय धमनियां, इनमें से सभी। 48 का आंसर कीजिए आप लोग, 48 का आंसर कीजिए, हृदय की दीवार को पोषण करने वाली रक्त वाहिकाओं का नाम क्या है, इसका रक्त वाहिका का नाम है कोरोनरी धमनियां, जो कि मेरे दोस्त ऑप्शन बी को जाएगा राइट आंसर। 49 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जवाब दीजिए, करें प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्न में से कौन सा प्रकाश प्रभावी है, लाल, पीला, नीला, हरा। 49 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा प्रकाश प्रभावी है, इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी, हरा। 50, स्टार्च या मंड पर आयोडीन का विलयन डालने पर स्टार्च या मंड का रंग कैसा होता है, मंड का रंग कैसा होता है, हरा, पीला, लाल, नीला, काला, बताइए राइट आंसर क्या होगा। 50 का राइट आंसर का ऑप्शन डी, नीला काला। 51, एक लड़का रात में देख नहीं सकता है, उसे किस विटामिन, कौन सा विटामिन लेने को सलाह दीजिएगा, कैल्सिरोफेरॉल, टाकोफेरॉल, रेटिनॉल, राइबोफ्लोविन, बताइए राइट आंसर। 51 का रेटिनॉल देंगे, ऑप्शन सी को जाएगा राइट आंसर। श्वसन के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, कोशिकीय श्वसन में ऊर्जा मोचित होती है, वायवीय श्वसन पथ ऑक्सीजन पर निर्भर करती है, अवायवीय श्वसन कम ऊर्जा मोचित होती है, इनमें से सभी। 52 का आंसर कीजिए आप लोग दोस्त, 52 का आंसर राइट आंसर क्या होगा, श्वसन के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, कमेंट्स में आंसर ठोकिए कमेंट्स में आंसर, इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। कोशिकीय श्वसन में ऊर्जा मोचित होती है, वायवीय श्वसन पथ ऑक्सीजन पर निर्भर करती है, अवायवीय श्वसन कम ऊर्जा मोचित होती है। अगला 53, आमाशय में आने वाला भोजन होता है अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, जलीय, 53 का आंसर कीजिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर कीजिए, आमाशय में आने वाला जो भोजन होता है क्या होता है, अम्लीय होता है, उसको क्षारीय बनाता है। 54, निम्नलिखित में किसमें कोई एंजाइम नहीं होता है, पीत रस, आमाशय रस, लार, अग्न्याशय रस, 54 का आंसर कीजिए, निम्नलिखित में किसमें कोई एंजाइम नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन है पीत रस। 55, निम्नलिखित परिस्थितियों में पौधों में वाष्पोत्सर्जन की दर अधिक होती है, ठंडी और नम हवा, गर्म और अर्ध हवा, गर्म और शुष्क हवा, इनमें से कोई नहीं। 55 का आंसर, निम्नलिखित परिस्थितियों में पौधों में वाष्पोत्सर्जन की दर
अधिक होती है गर्म और शुष्क हवा में, जो कि ऑप्शन सी को जाएगा राइट आंसर। 56 नंबर क्वेश्चन, जैविक प्रणाली में रासायनिक प्रक्रियाओं के उत्प्रेरक निम्न में से कौन है? हार्मोन, विटामिन, एंजाइम। हार्मोन एवं एंजाइम दोनों, बताइए राइट आंसर क्या होगा 56 का। जैविक प्रणाली में रासायनिक प्रक्रियाओं के उत्प्रेरक निम्न में से कौन है? तो होता है एंजाइम, जो कि ऑप्शन सी को जाएगा राइट आंसर। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, लंबी दूरी तक दौड़ने के बाद पैर की मांसपेशियाँ में ऐंठन होने लगती है। मांसपेशियों में हो सकता है ऐंठन होने लगती है, किसके बनने से? लैक्टिक एसिड के बनने से, एसिटिक एसिड बनने से, ऑक्जेलिक एसिड बनने से, इनमें से कोई नहीं। 57 का राइट आंसर होगा लैक्टिक एसिड बनने से, जो कि ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। 58 कैल्सीफेरॉल क्या है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। 58 नंबर क्वेश्चन, कैल्सीफेरॉल क्या है? तो कैल्सीफेरॉल क्या है? विटामिन डी का नाम है। ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार रक्त का घटक कौन है? RBC, WBC, प्लेटलेट्स, इनमें से सभी। 59 का आंसर कीजिए, ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार रक्त का घटक कौन है? तो होता है RBC। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमेंट्स में आंसर जरूर करते जाइए बाबू, मैं आपका कमेंट्स जरूर चेक करूंगा। ग्लूकोज के अणु, एक अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण के कारण कितने ATP का निर्माण होता है? 20, 36, 38, 40। 60 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिए आप लोग, 60 का आंसर जाएगा ऑप्शन बी 36। सामान्य अवस्था में एक स्वस्थ व्यक्ति का रक्तचाप होता है कितना होता है? 61 का आंसर कीजिए, इसका सामान्य अवस्था में एक स्वस्थ व्यक्ति का रक्तचाप होता है 120/80। क्या होता है? 120/80 जो होता है उसको स्वस्थ माना जाता है। भाई कमेंट्स में आंसर करेंगे, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। किस कोशिका के द्वारा अस्टोमाटा खोलने और बंद करने की प्रक्रिया को नियंत्रित किया जाता है? गार्ड सेल, यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, इनमें से कोई नहीं। 62 का आंसर कीजिए, 62 का जाएगा ऑप्शन ए गार्ड सेल। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? 63 नंबर क्वेश्चन, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो मेरे दोस्त, मानव हृदय में जो होते हैं वो होते हैं 4 कोष्ठक। कितने कोष्ठक होते हैं? 4 कोष्ठक होते हैं। बयानिल, ठीक है। अगला 64, अवायवीय श्वसन निम्नलिखित में से क्या बनाता है? एथिल अल्कोहल, एथिनिल, ग्लूकोज, ग्लिसरॉल। 64 का जाएगा एथिल अल्कोहल, जो कि ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। मेरे दोस्त 65 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, लाइपेज एंजाइम का कार्य बताइए। लाइपेज एंजाइम का कार्य क्या है? प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदलना, वसा को वसा अम्ल में एवं ग्लिसरॉल में बदलना, वसा को कार्बोहाइड्रेट में संश्लेषित करना, इनमें से कोई नहीं। 65 का आंसर कीजिए आप लोग, 65 का राइट आंसर जाएगा वसा को वसा अम्ल में एवं ग्लिसरॉल में बदलना, लाइपेज एंजाइम का जो कार्य है ये। 66, पाइरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है कोशिका द्रव में, माइटोकांड्रिया में, हरित लोहक में, केंद्रक में। 66 का आंसर आप लोग कीजिए, 66 का आंसर होगा माइटोकांड्रिया में, ऑप्शन बी। 67, स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? 67 नंबर क्वेश्चन, स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य के प्रकाश से। इसका समग्र आंसर क्या मानेंगे? ऑप्शन डी को मेरे दोस्त। चलिए मैं 6 से आगे बढ़ते हैं। 68 नंबर, निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? डायरिया, पीलिया, TB, ल्यूकेमेनिया, बताइए 68 का आंसर क्या होगा। निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो टीबी जो होता है वो श्वसन तंत्र से संबंधित होता है। 69, हीमोग्लोबिन को लाल रंग कौन प्रदान करता है? सोडियम, कैल्शियम, लौह, तांबा। 69 का राइट आंसर जाएगा मेरे दोस्त लौह, लोहा प्रदान करता है। हीमोग्लोबिन को लाल रक्त कौन प्रदान करता है? तो लौह प्रदान करता है। अगला देता है, दंत क्षरण क्या है? दंत क्षरण यानी दांतों की सफाई करना, हिमालयन डेंटिन का धीरे धीरे मृदुकरण, दांत का टूटना, इनमें से कोई नहीं। 70 नंबर क्वेश्चन, 70 का होगा इमैनुअल एवं डेंटिन का धीरे धीरे मृदुकरण। भाई चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर बनता है, सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे दोस्त। 71, निम्न में से कौन ऑक्सीजन के लिए उच्च बंधुता रखता है? प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, श्लेष्मा, इनमें से सभी। यहाँ पे ऑल भी हम डाल सकते हैं, ठीक है। 71 नंबर, 71 का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन। 72, ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं? 72 नंबर क्वेश्चन है, ग्लूकोज में मेरे दोस्त वो होते हैं टोटल 6 कार्बन। कितने कार्बन होते हैं? 6 कार्बन।
तिहत्तर दोस्त नंबर 73 नंबर क्वेश्चन, ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर फुफ्फुस से हृदय में बाईं ओर स्थित किस कोष्ठक में आता है। ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर फुफ्फुस से हृदय में बाईं ओर किस कोष्ठक से आता है, बायां नीलय में, बायां आलिंद में, महाधमनी में, इनमें से कोई नहीं। 73 का आंसर कीजिए। 73 का आइटेंस जाएगा ऑप्शन ए, बायां नीलय में। 74, कार्बन डाइऑक्साइड प्रचुर रुधिर को कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ने के लिए कहाँ जाना पड़ता है। कार्बन डाइऑक्साइड प्रचुर रुधिर को कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ने के लिए कहाँ जाना पड़ता है, दायां नीलय, बायां आलिंद, बायां नीलय, बायां आलिंद, फुफ्फुस। बताइए राइट आंसर 74 का, तो कहाँ जाता है, फुफ्फुस में जाता है। 75, मछली के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं। मेरे दोस्त 75 नंबर क्वेश्चन के आंसर करेंगे, मछली के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं। मछली के हृदय में 2 कोष्ठक होते हैं, जो कि ऑप्शन ए को जाएगा राइट आंसर। 76, कौन सी रुधिर वाहिका है रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है, धमनियाँ, सिरा ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। 76 का आंसर जाएगा धमनियाँ, जो कि ऑप्शन ए को जाएगा राइट आंसर। 77, किस रुधिर वाहिकाओं का भीति मोटी और लचीली होती है, धमनियाँ, सिरा ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। किस रुधिर वाहिकाओं की भीति मोटी और लचीली होती है, तो होती है धमनी की। अगला 78, निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण बताइए। निम्न में परजीवी पादप का उदाहरण बताइए। 78 का राइट आंसर जाएगा परजीवी पादप कौन है, तो विषाणु होता है। अगला, स्थलीय जीव में नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ होता है, अमोनिया, यूरिया, फास्फेट, कैल्शियम, इसका राइट आंसर क्या होगा। स्थलीय जीव में नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ का नाम है यूरिया, जो हम लोग पेशाब के रूप में बाहर निकालते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, आप सभी के लिए गर्दा गर्दा कह दीजिए। जलीय जीव में नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ होता है, अमोनिया, यूरिया, फास्फेट, ये सभी। बताइए 80 का आंसर। 80 का होगा अमोनिया। जलीय जीव में जो होता है नाइट्रोजनी अपशिष्ट होता है, अमोनिया होता है। मैं दोस्त अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 81, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। कवक में पोषण की जो होती है वो मृतजीवी पोषण विधि होती है। कौन होती है, मृतजीवी। ऑप्शन कमेंट्स में लिखेंगे आंसर आप लोग। खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है, गाय, मनुष्य, बाघ, कॉकरोच। 82 का आंसर कीजिए। खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है, तो होता है कॉकरोच में। 83, पादप में जाइलम की भूमिका होती है, जल का वहन, भोज्य पदार्थ का वहन, ऑक्सीजन का वहन, कार्बन डाइऑक्साइड का वहन। 83 का आंसर कीजिए आप लोग। 83 का राइट आंसर जाएगा जल का वहन, ऑप्शन ए। चूने के पानी का रंग कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में कैसा होता है, लाल, पीला, नीला, दूधिया। 84 का गर्दा कर दीजिए आंसर। चूने के पानी का रंग कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में होता है दूधिया। कैसा होता है, दूधिया होता है। अगला, रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है। रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है, पीपल, आम, कटहल, पेचीर। राइट आंसर जाएगा चीर। भाई बहुत बढ़िया, कमेंट्स में कीजिए आंसर, गर्दा गर्दा कर दीजिए। पौधों में गैसों का आदान प्रदान के लिए उत्तरदायी कौन है, जड़, तना, रंध्र, शाखा। 86 का आंसर कीजिए। 86 का, पौधों में गैसों का आदान प्रदान के लिए उत्तरदायी कौन है। पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रंध्र उत्तरदायी होता है, जो कि 86 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी को जाएगा राइट आंसर। चलिए 87 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, मैं लेकर आया हूँ ये। निम्नलिखित में मानव हृदय के किस कोष्ठ की पीसीय भित्ति मोटी होती है, आलिंद या नीलय। भाई दोनों, ऑप्शन ए और बी दोनों, इनमें सब कोई नहीं, इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, नीलय। 88 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में कौन रक्तस्राव के स्थान पर रुधिर का थक्का बनाकर मार्ग अवरुद्ध कर देती है, प्लेटलेट्स, लसिका, हीमोग्लोबिन, प्लाज्मा। 88 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिए। 88 का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए, प्लेटलेट्स। क्षुद्रांत द्वारा अवशोषित वसा का वहन किसके द्वारा किया जाता है, प्लेटलेट्स, लसिका, हीमोग्लोबिन, प्लाज्मा। 89 का आंसर कीजिए आप लोग। 89 का राइट आंसर क्या होगा, क्षुद्रांत द्वारा अवशोषित वसा का वहन किसके द्वारा किया जाता है, तो वो हो जाए लसिका के द्वारा। किसके द्वारा, लसिका के द्वारा, ऑप्शन बी को जाएगा राइट आंसर। 90 नंबर क्वेश्चन, ब्रिक में स्थित निस्यंद एकक क्या कहलाता है, वीरकणाणु, संग्राहक, शुक्राणु, अंडाणु। 90 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिए। 90 का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए, वीरकणाणु। 91, एक स्वस्थ व्यस्क में प्रतिदिन कितने लीटर आरंभिक निस्यंदक ब्रिक में होता है, राइट आंसर कीजिए। एक स्वस्थ व्यस्क में प्रतिदिन कितने लीटर आरंभिक निस्यंदक ब्रिक में होता है, कितने लीटर रक्त का मतलब फिल्ट्रेशन होता है, ये बताया जाए, पूछ रहा है। 91 नंबर, 150 लीटर, ऑप्शन बी को जाएगा राइट आंसर। भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है, अपचयन, उपचयन, विस्थापन, संयोजन। 92 नंबर क्वेश्चन,
भोजन का पाचन उपचयन अभिक्रिया है। जंतुओं में पेशी की जंतुओं के पेशी कोशिकाओं में ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाइरुवेट का रूपांतरण किस यौगिक में होता है? ग्लूकोज, साइट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, इनमें से कोई नहीं। 93 का आंसर कीजिए आप लोग। 93 का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी, लैक्टिक अम्ल। 94, अवायवीय श्वसन होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, कार्बन डाइऑक्साइड की अनुपस्थिति में, कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में। 94 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिए। अवायवीय श्वसन होता है, अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। 95, अवायवीय श्वसन होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में, या कार्बन डाइऑक्साइड की अनुपस्थिति में। 95 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिए। 95 का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर चलते चलते, लास्ट क्वेश्चन, ब्रिक का आकार कैसा होता है? सेम के बीज के समान, त्रिभुजाकार, गोलाकार, आकारहीन। बहुत सिंपल है, ब्रिक का जो आकार होता है, किडनी का आकार होता है, सेम के बीज के समान होता है। चलिए दोस्त, इस वीडियो में आपको टोटल 96 क्वेश्चन दिया, जय प्रक्रम चैप्टर समाप्त हो गया। अगला दिन मैं आपको नियंत्रण एवं समन्वय दूसरा लेसन लेकर आऊँगा, ठीक है? इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर भाई। जाते जाते मैं आपसे कहूँगा, एक बार वीडियो को शेयर जरूर करेंगे। जय हिंद।